अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है और क्रिप्टो करेंसी एक क्या बूम चल रहा है इस वक्त। किसी भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप बाइनांस डिजिटल एक्सचेंज को यूज़ करके अपने पैसे अपने क्रेडिट कार्ड या अपने डेबिट कार्ड या अपने बैंक से कैसे बाइनांस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कौन से कॉइन में ट्रांसफ़र करने हैं और फिर उससे आप डिफरेंट टाइप की क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद सकते हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और इसके बाद मैं इस वीडियो के एंड पे आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा जो मैंने अपने आल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो बिल्डअप किया हुआ, मैंने कौन कौन से आल्ट कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस का पता लगता रहे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से न्यूज़ आ रही है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ये मेरा चैनल है जी, इसके अंदर आप जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। दो तीन बातें मैं पहले कहना चाहता हूँ बिफोर आई गो हम इसमें वीडियो के टॉपिक में जाएं। पहली बात तो यह कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी है। दूसरी बात यह है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है सोच समझ के, देख के, पढ़ के, अपना जो भी आप कॉइन खरीद रहे हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में स्टडी जरूर करें। मैंने अपनी इन वीडियोस में बताया कैसे आप जाके बड़ा क्विकली 5 मिनट लगते हैं पढ़ने में, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। और तीसरी बात ये कि मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा और आपने अपने पैसे किसी को देने भी नहीं है। ये अगर आपको फेसबुक यूज़ करनी आती है, टिकटॉक यूज़ करना आता है, मोबाइल और एंड्रॉयड का मोबाइल यूज़ करना आता है तो ये काम उतना ही आसान है जो मैं आपको बताने लगा हूँ जितना किसी मोबाइल ऐप को यूज़ करना है। तो लें जी चलते हैं वीडियो टॉपिक के ऊपर बड़ा जल्दी से और आगे अब आपको बताते हैं कि जी ये बेसिकली चैनल है, इसको आप जाके शेयर करें, लाइक करें। हम चलते हैं जी अपनी बाइनांस एक्सचेंज में। ये जी binance.com binance.com वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके ख़रीद सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, और भी बहुत सारी डिजिटल एक्सचेंजेस हैं, इसका फ़ायदा ये है, एक तो इनके रेट्स बहुत अच्छे हैं, सर्विस बहुत अच्छी है। सेफ पाल जो मैं एक अपना वो यूज़ कर रहा हूँ, ऑफलाइन क्रिप्टो वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर ये बाइनांस जो सा है ये इसके साथ बड़ा अच्छा कंपैटिबल है। अच्छा, आप और भी कोई क्रिप्टो करेंसी के लिए डिजिटल एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ बड़ा स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। इसमें आप अपना अकाउंट बना लेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, आप सिंपल ईमेल एड्रेस से आपका अकाउंट बन जाता है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे, तो फिर आपने जाना है बाय क्रिप्टो करेंसी और यहाँ पर आपने जाना है बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसमें 2-3 दिन लगते हैं, ठीक है जी। और या आप क्या कर सकते हैं, बाय क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ठीक है। मैं इसमें जाता हूँ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पर, तो मुझे कोई चीज़ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त में $1,000 जो उनसे हैं वो ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। अब ये मुझे पूछ रहा है कि तुमने $1,000 का क्या ख़रीदना है, बिटकॉइन खरीदना है, BUSD खरीदना है, इथीरियम खरीदना है, XRP खरीदना है। अगर आप नए हैं, अगर जिस दिन मैंने बिटकॉइन खरीदना था ना, तब तो मैंने डायरेक्टली बिटकॉइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे फिर कन्वर्जन में और बाकी चीज़ों में पैसे नहीं लगने थे। लेकिन अगर आप नए हैं, आपने इस $1,000 से $200 का आपने कोई एक कॉइन खरीदना है, $200 का कोई और कॉइन खरीदना है, तो फिर आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें USDT, इसे स्टेबल कॉइन बोलते हैं। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू $1 इज इक्वल टू USDT 1 USDT, तो इसका बड़ा आसानी रहती है आपको, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा पेयर्स अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के, मैं आपको वो दिखाता हूँ अगली आगे जाके। तो मैं यहाँ पर USDT सेलेक्ट करता हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि जी जब मैं USDT खरीदूंगा, $1,000 पे करूंगा, तो मुझे 984 USDT मिलेंगे, बाकी पैसे कहाँ गए। बाकी पैसे बेसिकली आपकी फीस है जो कि एक्सचेंज आपसे चार्ज कर रही है, उधर कट देंगे। अब मैं इसको बाय का बटन दबाऊंगा। नॉर्मली मेरा बैंक ये ट्रांजैक्शन अलाउ कर देता है, मैंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा ऐसी ट्रांजैक्शंस की हैं, तो माइट भी वो कहे कि जी आप छोटी अमाउंट अब ट्रांसफ़र करें, क्योंकि ये लाइक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है अराउंड दिस इन स्वीडन। अब आप इसको बाय करते हैं तो इसको मुझे लेके जाना चाहिए मेरे मोबाइल बैंक ID के ऊपर। वो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जी ये मैं जब खरीदूंगा, एक USDT 10
1.02 डॉलर का आ रहा है और 20 डॉलर मेरी फीस लग रही है, तो मैं कहता हूँ ओके, यूएसडीटी की जो उनसे मुझे अभी प्राइस मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा ये पैसे काट रहे हैं, इसमें तकरीबन 34 डॉलर मुझे कट के मिलेंगे पैसे, क्योंकि यूएसडीटी थोड़ा सा महंगा हुआ है, एक डॉलर की प्राइस नीचे गई है। अच्छा मैं कहता हूँ जी ठीक है, मुझे कन्फर्म कर दो, मैंने ये ख़रीदना है। अब बेसिकली मेरा कोई 35 डॉलर फीस लग गई है इस सारी चीज़ के ऊपर। अब ये क्या करेगा, मुझे मेरे बैंक आईडी के ऊपर ले गया है, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल बैंक आईडी खोलूँगा, ठीक है जी। अब मैं अपने मोबाइल से इस वक्त इसको सिग्नेचर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने अपने मोबाइल से सिग्नेचर किया है, इस वक्त ये प्रोसेसिंग हो रही है। ये प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट होती है तो मुझे बता देगा कि जी आपके अकाउंट में इतने USDT जो उनसे हैं वो अवेलेबल हो गए। ये देखें, ये मेरे पास 964 USDT अवेलेबल हो गए। अच्छा, ये मैं सस्ता भी कर सकता था, मैं इस इधर से बैंक ट्रांसफ़र करता तो वो भी हो सकता था, लेकिन ये मैंने लेट से अगर टोटल 500 डॉलर 5 ट्रांजैक्शंस के अंदर या 10 ट्रांजैक्शंस के अंदर लगाए तो ये 500 डॉलर बहुत जल्दी आप निकाल लेंगे अपनी ट्रेडिंग से। इसमें इस वक्त मार्केट बुल पे है तो मुझे मेरे पैसे चाहिए थे इसके अंदर। अच्छा, अब मैं मेरे पास पैसे आ गए जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं जाता हूँ ट्रेड के अंदर, ठीक है। ट्रेड के अंदर मैं जा रहा हूँ क्लासिक के अंदर, ठीक है। क्लासिक के अंदर जब मैं आया हूँ तो मैंने यहाँ पर ये देखना कि जी मैंने स्पॉट सेलेक्ट किया हो यहाँ पे, स्पॉट, ठीक है जी, स्पॉट सेलेक्ट किया हुआ है। और इसका मतलब ये है कि जी मैंने अब यहाँ पर मैंने बाय करना है, यहाँ पर मैंने सेल करना है। अब यहाँ पर मैं सर्च करने लगा, मैंने क्या खरीदना जी, डॉट, ठीक है जी, डॉट में मैंने इन्वेस्टमेंट करनी थी काफ़ी। अब ये देखें, डॉट USDT ये पेयर एक बना हुआ है, USDT मैंने कन्वर्ट कर ली है, 25 USDT का एक डॉट आ रहा है, ठीक है जी। और इसकी प्राइस डिवेलपमेंट देखें, एक वीक के अंदर कहाँ से कहाँ गई है प्राइस, ये करते 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 कितनी टॉप पे गई भी है इस वक्त प्राइस। और यहाँ पर अगर हम एक वीक वन डे का व्यू देखें तो आज के दिन में भी ये नहीं, ये तो सितंबर से पीछे दिखाता जा रहा है। हम इसको लो आगे, अब ये देखें ना, ये प्राइस डेवलप हुई भी है इसकी, ठीक है जी। एनीवेज मेरी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैंने 500 डॉलर के ये खरीदने हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा जी 500 डॉलर के जितने भी डॉट आते हैं वो मुझे ले दे। अच्छा, ये सिर्फ मुझे 19 डॉट मिल रहे हैं 500 डॉलर के। अच्छा, अभी हम जाके देखते हैं ADA की क्या प्राइस चल रही है। ADA में भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है आपकी प्राइसेस, ये देखें ADA बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है इस वक्त। अच्छा जी, उसके बाद डॉज कॉइन GE, ये देखें DOGE डॉज कॉइन जो सा है, ये आगे 5x क्या लिखा हुआ है, इनको छोड़ दें, इसमें आपने नहीं पढ़ना। USDT अब ये 0.7 इसकी प्राइस चल रही है डॉज की। अच्छा, इसको थोड़ा सा ख़रीद लेते हैं, मैं कहता हूँ कि जी मुझे $300 के डॉज ले दें, तो ये इसकी 0.07 USD इसकी प्राइस चल रही है। लेट्स से ये एक मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको ले लेता हूँ और इसको बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने बाय किया और मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है जी। जैसे मेरा ऑर्डर कंप्लीट होगा तो यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जी क्या कितना, यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह हम आगे चलते हैं, हम एक और करेंसी में आपको ख़रीद के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं रात को देख रहा था सिल्क, नहीं क्या नाम था उसका, ओ मैं ज़रा एक मिनट अपना निकाल लूँ, मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसमें मैं लिखता रहता हूँ कि मैंने कौन कौन सी करेंसीज ख़रीदनी है। तो ये स्काई कॉइन, ठीक है जी, स्काई कॉइन SKYCOI, स्काई कॉइन का यहाँ पे मुझे पेयर नहीं मिल रहा। मैं स्काई कॉइन को हम जाते हैं जी अपना इसमें और हम जाके लिखते हैं स्काई कॉइन, स्काई कॉइन की एब्रीवेशन है SKY, ठीक है जी, SKY इसकी एब्रीवेशन है। और इसकी प्राइस इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊपर गई हुई है, इसको मैं अभी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ये आप अगर देखें इसकी डेवलपमेंट पिछले 30 दिनों में तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई गई हुई है इसकी प्राइस, तो इस वक्त और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हुआ है। कुड भी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने करना तो कर सकते हैं। देखें ना, इसका ऑल टाइम हाई $49 था, इस वक्त आपको $1 का मिल रहा है।
चलें ये भी हम थोड़े से लेके इसको रख लेते हैं। मैंने रात को इसके बारे में बैठ के पढ़ा था, दिस इज इट सेइंग दैट के ये देखें इस वक्त एक्सट्रीम सेल चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसकी प्राइस अब नीचे गिरनी है। ये इसका इज अ प्लेटफॉर्म फॉर मोस्ट एडवांस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड डेवलप बाय द अर्लियर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ टू बोथ अर्लियर कंट्रीब्यूटर्स टू बोथ बिटकॉइन और इथेरियम। इसके पीछे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो बिटकॉइन और इथेरियम वाले हैं। और इसमें आप देखें कि इसका जो नंबर है बहुत पीछे है, अभी 495, और इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो कुछ भी नहीं है। तो विच मीन्स कि अभी जब इसने ग्रो करना है इस वाले कॉइन ने, तो इट कैन गो रियली हाई। अभी इसके पास ग्रो करने का बहुत ज़्यादा चांस है। अभी मार्केट कैप सिर्फ 22 मिलियन के करीब है और कुछ भी नहीं है ये वैसे। तो हम जाते हैं जी इसमें वापस और हम के SKY लिखते हैं, SKY BTC से मैं उठा सकता हूँ। मैं इसका पेयर USDT के साथ अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास थोड़े से बिटकॉइन भी पड़े हुए हैं, उससे भी ख़रीदा जा सकता है। या आप क्या करते हैं कि जी ETH USDT इथीरियम अगर आपने लेना है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जी मुझे $500 का इथीरियम दे दो, तो आपको 0.281 ये है जी स्पॉट परचेजिंग। अगर आपको ये समझ अच्छा आपने जब खरीद लेना है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपको मैं दिखाता हूं, आपने अपने वॉलेट में चले जाना है। ये देखें आपने क्या करना है, जब आपने खरीद लिया तो फिर आपने इधर ओवरव्यू में जाना है। वॉलेट में जब आप अपने जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैंने क्योंकि यहाँ पर सारी हाइड की हुई है, यहाँ पर आपको दिखाएगा कि जी आपके वॉलेट में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखें डॉज पड़ा हुआ है, उसके बाद USDT पड़ा हुआ है, बिटकॉइन पड़ा हुआ है। यहाँ से फिर आप इसको ऑफलाइन कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से आप इसको ऑफलाइन ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे कि जो सेफ पॉल की आपकी ऐप आई है, उस ऐप के अंदर से आप अपने सेफ पॉल के वॉलेट का एड्रेस पकड़ेंगे और यहाँ पे जाके आप कहेंगे कि जी मैं लेट्स से विदड्रॉ करना चाहता हूँ XRP, ठीक है XRP आपने विदड्रॉ करने हैं अगर, तो आप यहाँ पर जाके फिर आप वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे अपने अकाउंट की और आप उससे विदड्रॉ कर लेंगे। जैसे मैंने ये ट्रांजेक्शन्स मैंने की हुई हैं सारी कंप्लीट हुई हुई हैं, तो इस तरह का एड्रेस आपको दिखता है आपके आपके वॉलेट का। ले यार ये एक बड़ी क्विक सी वीडियो बनानी थी मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक डेमो दिखाया जा सके। अब मैं थोड़ा सा बैठ के अपने जो मैंने अभी $1,000 ट्रांसफ़र किए हैं उसके मैं कॉइन्स खरीदूंगा, और आपको यस आपको मैंने कहा था कि मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखाता हूँ एंड पे। तो आप ये देखें एक मिनट मैं ज़रा ये ढूँढ लूँ, आपको पोर्टफोलियो दिखाते हैं जी। मेरा जो पोर्टफोलियो है वो अगर अब आप चले जाएँ ये जी मेरा पोर्टफोलियो है इस वक्त आप अगर देख सकते हैं तो। और अगेन मैं आप लोग आपने अपनी समझ से खुद से इन्वेस्ट करना है, आपने आपने जो सा ना ये नहीं कि आप बस पैसे लगा दें और आपको क्या नाम लेते हैं पता ना हो गया आप किस चीज़ में पैसे लगा रहे हैं। देखिए मैंने कॉर्डानो में सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं इस वक्त, क्योंकि मुझे लगता है कॉर्डानो एक ग्रो कर रहा है, और कॉर्डानो देखें पिछले 24 घंटे में 24, और अभी मैंने अपनी सारी की सारी यहाँ पर ट्रांजैक्शन एंटर नहीं की, ये पोर्टफोलियो मैंने अभी बिल्ड करना शुरू किया है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता रहेगा। बड़ा ईजी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी अपनी जो उनसी है ट्रांजेक्शन, आपको एक एक व्यू के अंदर नजर आ रहा होता है अच्छा यार मेरा कौन सा कॉइन क्या कर रहा है, कौन सा मैंने बेचना है, कौन सा मैंने होल्ड करना। ले यार अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको मेरे ख्याल से इससे बड़ा फ़ायदा हुआ होगा, और बाकी मैं वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।